प्रभु यीशु मसीह के मधुर उजाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं, मिलके हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता का जिसने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम प्रार्थना कर सके, एक मन एक चित्त हो सके। तो आइए अपने सिर को झुकाते हुए मेरे साथ वचन से पहले हम चाहते हैं प्रार्थना करें, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया खुदा वंचर को साझा करने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने बीते समय में हमें संभाला प्रभु जी, बड़ी ब्लेसिंग दी है खुदा, बड़ी आशीष साथ भरा है पिता परमेश्वर, अपने प्रेजेंस के साथ भरा है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रविवार की शाम की प्रार्थना में प्रभु जी, रात की प्रार्थना में प्रभु जी, हम आपका करते हैं, आपके पवित्र हजूरी को मांगते हैं पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट को मांगते हैं पिता परमेश्वर। खुदा विश्वाजा सामर्थ्य परमेश्वर, जितना वचन आज पढ़ा जाए सुना जाए प्रभु जी, देखा जाए खुदा विश्वाजा, ये तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, इस वचन को पढ़ने के लिए समझने के लिए हमें बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदा हमारा विश्वास प्रभु जी, हमने जो मांगा प्रभु जी वो हमें मिल चुका है खुदा, यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सब बोलिए आमीन। आइए हम पढ़ते हैं वचन को, यूहन्ना की इंजील की हम 15 बाप की हम 4 को पढ़ेंगे। तो वहां लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे भी तुम भी यदि मुझसे बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। प्रिय भाई बहनों, वो कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। परमेश्वर ने पहले ये कहा कि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तुझ में बना रहूं, पहले परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में, मतलब पहल हमें करनी है, हमें इंसानों को पहल करनी है प्रभु में बनने में, प्रभु के काम को करने में पहले हमें पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांगोगे, कौन मांगेगा, इंसान मांगेगा तो दिया जाएगा। प्रभु ने थोड़ा कहा कि मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु कहता तू पहले मांगेगा, इंसान मांगेगा तो मैं दूंगा। प्रभु कहता ढूंढोगे तो तुम पाओगे, कौन ढूंढोगे, हम ढूंढेंगे, जब हम ढूंढेंगे प्रभु को, खोजेंगे प्रभु को, तो प्रभु हमें मिलेगा, पहले इंसानों को ही खोजना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु ने हमें कहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मुझे नहीं बनने की जरूरत है, पहले तुम्हें बनने की जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी आपके साथ हूं, मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूं, बस तुम्हें मेरे साथ बनने की जरूरत है, मेरे साथ कमेंटमेंट करने की जरूरत है, पक्के कमेंटमेंट करने की जरूरत है, वो कच्ची वाली नहीं जो हम जिंदगी में कई बार करते आए हैं। प्रभु इस बार हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु हमारा ये मसला हल कर दे, हम तेरे साथ नाता बनाएंगे, हम तेरे साथ पिता परमेश्वर फ्रेंडशिप करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो इस बार प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुझ में बने रहूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, अगर आप चाहते कि हमारी दाखलता में फल लगे, हमारे जीवन में फल आ जाएं, भरपूरी के फल, आत्मिक फल भी आ जाएं, शारीरिक फल भी आ जाए, तो उसके लिए पहले हमें प्रभु के साथ एक नाता बनाना पड़ेगा, प्रभु के साथ एक रिश्ता हमें कायम करना पड़ेगा, तभी हम जाके हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे, अपने जीवन में बड़े बड़े फल देख पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज से मेरे प्रिय भाई बहन इस वचन को समझ चुके और प्रभु के साथ आज से नाता बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हम तेरे साथ बने हुए बनेंगे, इसलिए तो प्रभु तू हमारे साथ बना रहेगा। अगर हम ही पिता परमेश्वर तुझसे दूर भागेंगे तो प्रभु परमेश्वर एक दिन तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा पिता परमेश्वर। इसलिए हम नहीं चाहते खुदावन पिता परमेश्वर तू हमसे दूर जाए, हम चाहते खुदावन प्रभु तू भी हमारे पास आए खुदा विश्वाजा। इसलिए पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर ये कमिटमेंट करते कि हम प्रभु जी डेली प्रभु तेरी प्रेजेंस में आएंगे, डेली प्रभु परमेश्वर तेरे आगे झुकेंगे, तुझे दंडवत करेंगे पिता, तेरा धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे सब चीजों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो दिन है ये आपके है, लोगों के लिए ये भयानक के दिन लग रहे हैं कि आगे बहुत भयानक समय आने वाला है, मगर जो मसीही लोग हैं उनके लिए कोई भयानक समय नहीं, क्योंकि वो प्रभु के साथ कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, वो प्रभु के साथ अपने नाते को बनाए रखे हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मिलके हम प्रार्थना करेंगे, रोगी बीमार जितने भी हैं अपने जहां भी की दर्द है वहां हाथ रख लेना, मेरा परमेश्वर आपको छुएगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट की है कि पिता परमेश्वर मैं बढ़ूंगा तेरी ओर प्रभु जी, और अगर आपने की है तो फिर प्रभु कैसे पीछे रह सकता है, प्रभु भी आपकी ओर आएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आइए मेरे साथ एक मन एक चित्त हो ले। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु
प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया खुदावन कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। पिता परमेश्वर खुदा, आज से हम प्रभु परमेश्वर को वादा करते हैं कि प्रभु हम तुम में सदा बने रहेंगे। खुदा ईश्वर हम नाम की कमिटमेंट नहीं पिता परमेश्वर, जो हमने बहुत बार की है प्रभु जी, और बहुत बार इस कमिटमेंट को हमने तोड़ा भी है पिता परमेश्वर, इस बार प्रभु जी हम पक्का वादा करते हैं कि प्रभु जी हम तेरे साथ बने रहेंगे पिता परमेश्वर। हम भलाई को ढूंढेंगे पिता परमेश्वर, मेल मिलाप को ढूंढेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा ईश्वर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो सुनने वाले हैं पिता जी, प्रभु जी दया करना एक एक के ऊपर प्रभु जी, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, महाअभिषेक के साथ प्रभु जी इनके बंधन को तोड़ना मेरे पिता परमेश्वर। खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन के जीवन में टूट दे जाए प्रभु जी। मैं तेरे के प्रार्थना करती हूँ खुदा, तेरे हजूर विनती करती हूँ खुदा यीशु आजा, कि तेरे महाअभिषेक के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी जितनी परेशानियां, दुख, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, रोग है प्रभु यीशु, तेरे जीते नामे सामर्थ्य नामे इनकी बॉडियों को छोड़ के जाते रहे प्रभु जी। जितने लोगों के बहनों के अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है, गंदा गंदा दुष्ट आत्मा काम करता है, यीशु तेरे सामर्थ्य जीते नामे वो गंदी दुष्ट भ्रष्ट आत्मा की बॉडियों को छोड़े और जाए पिता परमेश्वर खुदा। मिर्गी के रोग जाते रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य में, भी जाता रहे, कैंसर जाता रहे, लकोरिया जाता रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य में। यूट्रस की समस्या जाती रहे प्रभु जी, जिन बहन का गर्भ बंद है खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य और पावरफुल नाम से वो खुलने पाए पिता परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस इनको छुए प्रभु, तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को प्रभु, जवानों को प्रभु जी, मेरी बहनों को पिता परमेश्वर खुदा, तेरा आत्मा छुए अजीब रीति के साथ और काम करे प्रभु यीशु तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। इनकी बॉडियां हीलिंग को पाए, इनका शरीर चंगियाई पाए, इनका शरीर चंगियाई पाए, इनका शरीर चंगियाई पाए प्रभु यीशु के जीवते और सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। खुदा यीशु आजा, मेरा विश्वास है खुदा आप छू रहे, तेरा आत्मा छू रहा प्रभु जी, इन्हें आजाद कर रहा, इन्हें फ्री कर रहा, इन्हें हीलिंग दे रहा, इन्हें डिलीवरिंग दे रहा, इन्हें छुटकारा कर रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। खुदा जो बहन अपने घर से दूर है प्रभु, तेरे नाम में वो वापस आने पाए अपने घर में पिता परमेश्वर। खुदा यीशु आजा, जो बच्चे अनाथ है प्रभु, उनका सहारा तू ही, बाइबल कहती तू अनाथों का सहारा प्रभु जी, इनकी सब चीजों का अरेंजमेंट करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, तू विधवाओं को कभी न छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर प्रभु जी, इनकी सार ले प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु आजा, तेरा आत्मा खुदा यीशु आजा तेरे नाम में पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूं प्रभु जी, धन्यवाद करती हूं, धन्यवाद करती हूं सब भाई बहनों के लिए मैं प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर तेरे के प्रार्थना करती हूं प्रभु, जिनके काम बंद पड़े प्रभु यीशु तेरे नाम में खुलने पाए, जो फॉर्म में बाहर है पिता परमेश्वर खुदा, काम नहीं मिल रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य जीवते नाम में काम मिलने पाए प्रभु जी, पिता परमेश्वर जितने उन्होंने फॉर्म प्रभु जी भरे हुए खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में उन्हें मिलने पाए, वो एक्सलेंस हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरा विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया खुदा, जितने लोग मांग रहे प्रभु जी आपने दे दिया, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ये मांग रहे थे प्रभु, मेरा विश्वास है कि आपने इन्हें दे दिया प्रभु जी, आपने इन्हें फ्री कर दिया, आपने इन्हें आजाद कर दिया है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी महिमा प्रभु, सारा इज्जत सारा प्रभु जी, सारा जलाल यीशु राजा मैं तेरे नाम को देती हूँ और सदा देती रहती हूँ। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु आपके साथ है और सदा रहेगा, बस आपको जो आपने कमिटमेंट की है उससे उसके साथ वफादार रहना है। हालेलुया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा परमेश्वर आपको संभाल रखे, सबको जय मसीह।